ओके भाई, पेड़ तो काट लिया, अब ये सब भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि यार पत्ती वत्ती ऐसे अच्छी नहीं लगती। ओ भाई साहब, क्या स्पीड से टूट रही है यार, आयरन हो तो कमाल की है। वैसे यार भाई, इसकी हेल्थ भी बहुत जल्दी आ रही है भाई। ओ भाई ओ भाई, मुझे लगता है ऐसे दो तीन पेड़ काट लिया तो ये पूरा ही खर्च हो जाएगा। खैर इसकी स्पीड भी तो सही है भाई, बिल्कुल क्रिएटिव जैसा लग रहा है यार, बिल्कुल एक बार क्लिक करता ही टूट रहा है। चलो सही है। ओके तो मैं सोच रहा हूँ कि डर्ट वर्ड यहाँ से हटा के मैं दूसरी साइड लगाऊँ, ताकि यू नो एक पेड़ों का अच्छा सा डेकोरेशन जैसा दिखने लगे और एरिया थोड़ा अच्छा दिखने लगे भाई, क्योंकि हमें डेकोरेशन भी करना है। सिर्फ पेड़ लगाते रहेंगे और फार्मिंग करते रहने से तो काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस जगह को थोड़ा सुंदर बनाएं। के बोनमील मारो। ओके उग गया, नाइस। ओके ये ठीक ठाक ही लग रहा है, वैसे मैंने दोनों साइड पेड़ उगा दिए इस पोर्टल के, और अब ये थोड़ा जंगल थीम्ड लग रहा है। ओके इसको भी कर लेते हैं थोड़ा डेकोरेट अंदर से, ताकि यू नो अच्छा लगे यार, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, बस एक खाली रूम बना दिया था मैंने। अब इसमें थोड़े डिटेल्स ऐड करते हैं। क्या आ गया नीचे, तो यहाँ पे स्लैब लगाना पड़ेगा, और बीच में से इस फेंस गेट को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में भी हमें लगाने हैं लॉग्स। वैसे इस एरिया को, मतलब इस बान को, मैं चार हिस्सों में टोटल डिवाइड करने वाला हूँ। एक में रहेंगे शीप्स, एक में रहेंगी काउज, एक में रहेंगे पिग्स, और चौथे में रहेंगी हॉर्सेस, लामाज वगैरह जो भी मिल जाए उसको मैं चौथे में ठूस दूंगा भाई। तो यह जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी हद तक इसे डेकोरेट कर दिया है, मैंने साइड्स के प्लेटफॉर्म्स को भी थोड़ा बहुत ऊंचा कर दिया है, और मैंने कोई भी तरीका नहीं लगाया एनिमल्स को सेपरेट करने का, तो इसीलिए जो फेंस के अंदर रह गया रह गया, और जो बाहर रह गया उसका कुछ कर नहीं सकते सिवाय उसका काम तमाम करने के। और यहाँ पे जो मैंने ये वॉल्स वगैरह लगा रखी हैं, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। अबे ये भाई इतने दिन से बैठा था यहाँ पे, वॉल तोड़ते ही पहले भागा ये, वो यहीं पे खड़ा हुआ है। चलो कोई नहीं, वैसे ये दो ब्लॉक सही नहीं लग रहा, हटाओ इनको। ओके भाई फार्मर, तेरा काम हो गया, अब तो निकल ले यहाँ से, वरना पड़ेगी भाई तेरे को भी। ओके तो हम आज एक लाइब्रेरियन बनाने वाले हैं, मतलब लाइब्रेरियन जॉब देने वाले हैं एक विलेजर को, तो इसीलिए मुझे चाहिए बुक्स, और बुक्स के लिए तो पता ही है शुगर केन चाहिए। पेपर्स के लिए पेपर और लेदर से बनेगा बुक, जिससे बनेगा एक लैक्टन, और उससे हमें मिल जाएगा एक लाइब्रेरियन विलेजर, क्योंकि हमें एन्चेंटमेंट्स की ज़रूरत है भाई। एंडर ड्रैगन को हराना इतना भी आसान नहीं है, हाँ मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, बट या इतना आसान भी नहीं है भाई। बह गया वो, बह गया सब, बह गया। अबे रुक जा, अबे यार चलो कोई बात नहीं, इसको हमें रोकना पड़ेगा। दूसरी साइड तो जा रहा है ना? हाँ भाई जा रहा है, एंड तक जा रहा है। ओके हमें इस पानी को यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा, ताकि ये सब कुछ बहा के सत्यानाश ना कर दे। ओके पानी हो गया ब्लॉक, नाइस। अब दूसरी साइड का भी कर लेते हैं, वैसे एक ही ब्लॉक तक बह रहा है, तो चलो भाई शुगर केन भी लगा ही देते हैं लगे हाथ, और दूसरी साइड का पानी भी बंद करना है वैसे, बट पहले ये लगा लेते हैं। शुगर केन हमारे पास है ढेर सारी शुगर केन, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है, हाँ है बट अब इसके ऊपर नहीं लगाना भाई। ओके येल्लो भाई, एक और बेड एक नए विलेजर के लिए, और मुझे पता है तुम्हें खाना भी चाहिए, तो इसीलिए मैं खाना भी भर भर के लाया हूँ। नहीं लाया, ओके कोई बात नहीं, ले आएंगे यार। ओके तो इनके लिए मैं गाजर ले रहा हूँ, और आलू वगैरह रहने दो यार, उनको गाजर ही देते हैं, वही ठीक है, क्योंकि गाजर से ज़्यादा हंगर फील होता नहीं, तो इसीलिए मुझे चाहिए भी नहीं ज़्यादा। येल्लो भाई गाजर लो, ठूसो और अपना खानदान विस्तार करो, अब चलो काम पे लग जाओ भाई अपने। ओके भाई आ गया बेबी विलेजर, और ये जब बड़ा होगा इसे हम बनाएंगे लाइब्रेरियन। तो ये बन गया लैक्टन, जिससे हम इस बच्चे को लाइब्रेरियन की जॉब दे सकते हैं। वो बड़ा भी हो गया, नाइस यार। चलो सही है, हम इसे इसके साइड में रख देते हैं, जब ये सुबह जगेगा तो ये लाइब्रेरियन बन जाएगा। एक्चुअली उठ रहे, अभी से लाइब्रेरियन बन गया, मेरे को सुन दे, तू रात भर जागता रहा भाई। सुबह हम उठ के इससे ट्रेड्स कर लेंगे। अबे रुकना, कहाँ जा रहा है, रुक जा। अरे रुक भाई, अबे आके यहाँ घुस गया, क्या दिक्कत है यार इनको। ओके क्या दे रहा है भाई, ये नहीं चाहिए यार, कुछ ढंग का दे दे भाई, प्रोटेक्शन या फिर एफिशिएंसी या शार्पनेस, कुछ भी चलेगा, बट ये पानी वाले इंचेंटमेंट्स का क्या ही करूँगा जब यहाँ पे पानी ही नहीं है। अब क्या दे रहा है, अबे क्या दिक्कत है यार इसको, कुछ ढंग का दे दे भाई मुझे, यार पता नहीं इसे कितनी बार तोड़ के लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये ढंग के इंचेंटमेंट्स देगा। ओके बट नहीं। 2000 years later.
ओके फाइनली जो चाहिए था वो मिल गया, इससे अब ट्रेड करके अरे यार मुझे थोड़ी और लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास और एमराल्ड्स नहीं है। ओके भाई एमराल्ड्स आ गए, ये हुआ ट्रेड लॉक, नाइस। तो हमारे पास अब आ चुकी है फेदर फॉलिंग 3, वैसे 3-3 को मिला के हम 4 भी कर सकते हैं तो यार ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा यार। और थोड़े बहुत और पेड़ काट लेते हैं क्योंकि हमें और भी ज़्यादा एमराल्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक लाइब्रेरियन से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें और भी ज़्यादा लाइब्रेरियंस चाहिए। ये लो भाई आ गया एक और लैक्टन और एक और लाइब्रेरियन, कुछ ढंग का दे दे भाई। और क्या दे रहा है अब, सिल्क टच, ओ भाई ये मेरे को चाहिए, क्यों पता है? क्योंकि सिल्क टच से हम माइन कर सकते हैं स्टोन डायरेक्टली अपने स्टोन जनरेटर से, याद है? और उस स्टोन को हम बेचेंगे मेसन को, वो 20 स्टोन के बदले एमराल्ड दे रहा है, और उसे एक बार अगर ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट कर दिया तो वो भाई 4-5 स्टोन के बदले एक एमराल्ड दे देगा। और यह स्टोन तो हम भर भर के माइन कर ही सकते हैं भाई, वो भी AFK रहकर, तो ये ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए। अरे भैंस की आँख, ये गोलम भाई यहाँ वहाँ स्पॉन होते रहेंगे लेकिन जहाँ पर स्पॉन होना चाहिए वहाँ नहीं होंगे। वैसे एक और लैक्टन है मेरे पास और उसके लिए एक और विलेजर चाहिए, बट वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चल कर देखते हैं ये फार्म काम कर भी रहा है या नहीं। आई गेस मैंने कुछ गोलम देखे थे यहाँ पे, बट ये भाई यहाँ वहाँ स्पॉन हो रहे हैं यार। ओके काम तो कर रहा है बट बहुत स्लो है, चलो कोई बात नहीं, इन गोलम्स को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी ये लोग इसके ऊपर स्पॉन होंगे भाई, वरना ये यहाँ वहाँ ही स्पॉन होते रहेंगे। बाय द वे मैं आयरन लेने के लिए इसलिए गया था क्योंकि मुझे बनाना है एक एनविल, और एनविल बनाने के लिए ढेर सारा आयरन चाहिए क्योंकि हमें 3 आयरन ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है भाई। चलो कोई बात नहीं बना लेंगे यार, आयरन की कमी थोड़ी ना है, गोलम पे गोलम तो स्पॉन हो ही जा रहे हैं, इसीलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। ओके एनविल आ गया हमारे पास, अब इसे ले कर चलते हैं घर के अंदर और इसे कहीं पर कर देते हैं प्लेस। कहाँ पर भाई, जगह भी तो नहीं है यहाँ पर, ऊपर कहीं पर प्लेस तो कर भी नहीं सकते, ये नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पे खाली है ना, यहाँ पे रख देते हैं। तो अब हमें लगानी है सिल्क टच अपने पिकैक्स पे और उसके बाद हम दुनिया भर के स्टोन्स माइन कर पाएंगे। और भाई पैसा ही पैसा होगा। तो एक और विलेजर का जुगाड़ करना है जो कि बनेगा हमारा एक और लाइब्रेरियन। वैसे इन सबको मुझे ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई इनके ट्रेड्स यार दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं, क्या दिक्कत है यार इनको। ओके भाई थोड़े स्टोन माइन कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी से तो अपना बिजनेस बढ़ाना है। ओके ये अभी भी अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, बट वेल हमें एफिशिएंसी भी चाहिए, उसके बाद ही ये अपना फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगा अपना ये फार्म। और सही है भाई हमें स्टोन मिल रहे हैं, बहुत सही। तो इससे हम थोड़ी देर और माइन करते हैं और हमें थोड़ी और स्टोन इकट्ठा करने के बाद ट्रेड करना है मेसन से, तब तक थोड़ा और माइन करते हैं भाई। ओके भाई देख रहे हो ये 20 स्टोन के बदले दे रहा है एक एमराल्ड, और हमें नए नए ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं, नाइस भाई, चलो सही है। तो हमें एटलीस्ट ब्लॉक्स की तो कमी नहीं होने वाली क्योंकि हमें भर भर के ब्लॉक्स मिल जाएंगे अपने मेसन से। ओके तो गाइस हमें और थोड़े विलेजर्स का जुगाड़ करना है और कुछ और लाइब्रेरियंस की फौज इकट्ठा करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक बेबी विलेजर तो ऑलरेडी हमारे पास आ ही चुका है और लैक्टन भी हमारे पास है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी बन जाएगा, सही समझे, लाइब्रेरियन। तो जब हम पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे हम चलेंगे एंडर ड्रैगन की ऐसी तैसी करने, तो तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। For you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California. Trying to make it in life, in school they never taught ya.